मेरी लोकसभा चूरू की जन भावनाओं को के अनुरूप आज मैं कांग्रेस पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब का, आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी का, राहुल गांधी जी का, और साथ ही साथ में हमारे राजस्थान के कांग्रेस के अध्यक्ष डोटासा साहब का, जूली साहब का, रंधावा जी का, कि आज उन्होंने मुझे कांग्रेस के अंदर शामिल किया है, इस परिवार का मुझे हिस्सा बनाया है। मैं इस उपलक्ष्य पे देश के प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ। 10 साल उनके नेतृत्व में मुझे मेरी लोकसभा क्षेत्र की लोगों की, जनता की सेवा करने का एक मौका मिला है। आज कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल होने पर मेरी लोकसभा के अंदर जन भावनाएं जिस रूप में थी, किसान कौम जिस रूप से परेशान थी, उसकी आवाज़ को दबाया जा रहा था, सामंतवादी सोच के लोगों की जो सोच थी वो आगे बढ़ती जा रही थी और किसान की आवाज़ को अनसुना किया जा रहा था, ऐसे अनेकों मुद्दे रहे जिन मुद्दों के ऊपर मैंने आज कांग्रेस पार्टी के परिवार का हिस्सा बनने की, मेरी लोकसभा की, मेरे जो कार्यकर्ता हैं, मेरे लोगों की आवाज़ को सुनते हुए आज मैं इस पार्टी का परिवार में शामिल हुआ हूं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद खड़गे साहब आपका देना चाहता हूं, और कांग्रेस पार्टी में रहकर मैं मेरी लोकसभा के क्षेत्र की लोगों की आवाज़ को और मजबूती से और क्षेत्र के अंदर विकास कार्यों को कराने में आगे काम करता रहूँगा। राहुल कस्वा जी का आज कांग्रेस पार्टी में हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब ने शामिल कराया है, और हम लोग राजस्थान के लोग जो किसान परिवारों से आते हैं, काफ़ी समय से जो जिस प्रकार से केंद्र की सरकार किसानों के खिलाफ काम कर रही थी, जो 3 काले कानून लाए गए और उसके बाद में समझौता करके फिर समझौते से मुकर गए, और जो हमारी बहनों के साथ, रेसलरों के साथ में जिस प्रकार से बर्ताव किया गया, तो पूरा राजस्थान का, हिंदुस्तान का पूरा किसान वर्ग भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से त्रस्त था, परेशान था। और हद हो गई जब राहुल कस्वा जी को जिस प्रकार से टॉर्चर किया गया किसान के बेटे के रूप में, और जब इन्होंने समय समय के ऊपर केंद्र के, भाजपा के नेतृत्व को किसान के मुद्दे उठाने की बात की, तो इनको उन मुद्दों को उठाने की इजाज़त भी नहीं मिली और उसका कोई जवाब भी नहीं दिया गया। तो मैं समझता हूं कि जब बात आई कि किसान का बेटा परेशान है, सेवा करना चाहता है, और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को आत्मसात करते हुए उसको आगे बढ़ाना चाहता है, और जो राहुल गांधी जी की जो हमारी यात्रा है, इनके मुद्दों से प्रभावित होकर के हमारे राहुल कस्वा जी जो चूरू से वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, ये 2 बार से सांसद हैं, इनके पिताजी 4 बार रहे हैं, इनके दादा रहे हैं, इनकी माताजी कांग्रेस की MLA रही हैं मेरे साथ 8 से 13 में, तो ये 50 साल से राजनीति की में रहकर के सेवा कर रहे थे और किसान कौम को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे, माता बहनों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। उनको जब परेशान किया गया और जब उनके केंद्र के किसान विरोधी नीतियों को देख करके इन्होंने जब हमसे चर्चा की, तो हमने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और राहुल गांधी जी से आग्रह किया, और आज हमें सफलता मिली कि राहुल कस्वा जी को कांग्रेस परिवार का आज हिस्सा आदरणीय खड़गे साहब ने बनाया है। मैं मजबूती के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में कांग्रेस और ज़्यादा मजबूत होगी। कल कुछ लोग कांग्रेस पार्टी छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए थे, लेकिन वो सारे के सारे लोग जिनका अब जनाधार नहीं बचा है, जो हार चुके हैं, जो वर्तमान में किसी पद के ऊपर नहीं है, नहीं वो गए हैं, और आज हमारे सामने, कल भी हमारे हरियाणा के MP के सांसद किसान परिवार, किसान के बेटे आए, और आज फिर MP लगातार 5-6 बार MP रहना उस परिवार का, और खुद का 2 बार MP रहना, ये किसानों के खिलाफ जो केंद्र की जो नीति है, जो दमनकारी नीति है, उससे परेशान होकर के हमारे साथ में, कांग्रेस पार्टी के साथ में जुड़े हैं। मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। धन्यवाद।
कांग्रेस पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष श्री गोविंद सिंह दोतार जी और रंधवा साहब और सीएलपी के लीडर जूली जी और आज जो हमारे पार्टी में जो शामिल हो गए हैं श्री राहुल कसवा जी और पूरे हमारे पार्टी के साथी, मैं ज़्यादा इस वक्त बोलना नहीं चाहता, फिर एक डेढ़ घंटे में आपसे मैं मिल रहा हूँ कांग्रेस ऑफिस में, वहाँ पर जो डिटेल बातें होंगी और कोई आपको पूछना है तो वहाँ मुझे आप पूछ सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ हम राहुल जी जो पार्टी में शामिल हो गए उसका उनको मैं धन्यवाद देने के लिए और अभिनंदन करने के लिए यहाँ आया हूँ, और मुझे खुशी है कि उनको हमने जो शामिल कर लिया, उन्होंने ये भी कहा कि अपने ये किसान के मुद्दों को लेके और जो सामंतवादी लोग हैं उनके खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी में ज्वाइन किया है, और ये अच्छी बात है कि ऐसे विचारधारा के लोग अगर पार्टी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ते गए तो समझिए बीजेपी कहीं की भी नहीं रहेगी। लेकिन आज हमको ये भी देखना है कि जो मोदी जी खुद अनेक भाषाओं में स्पीच दे रहे हैं, भाषणों में कन्नड़ा से लेकर तमिल तक, तमिल से लेकर गुजरात, फिर गुजराती तो है ही है, और उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, हर चीज़ पे वो अपनी मास्टरी करना चाहते हैं। जब उन्होंने पहले से ही उन्होंने लोगों को डराना धमकाना क्या करना ये तो उन्होंने पहले से ही करते आए हैं, अभी भी वही एक अपना रुख रखे हैं, इसीलिए ऐसे लोगों को हमारी पार्टी में ज़रूरत है। और दूसरी चीज़, इनके बारे में मैं सभी को कंसल्ट करके ही पार्टी में लिया गया है, तो मैं अध्यक्ष जी से पूछा, हमारे सीएलपी लीडर को भी पूछा, तो उनसे कहने लगा, फिर रंधावा जी तो पहले ही तैयार थे, फिर उसके बाद में राहुल गांधी जी से पूछा, सोनिया गांधी जी से पूछा और गहलोत से पूछा, पायलट से पूछा, जितने भी लीडर्स हैं उनसे मैं तमाम दो दिन से बात करके तय किया, और आज मैं कल मैडम गांधी से भी बात किया कि मैं 1 बजे उनको शामिल कर लेने वाला हूँ, इसीलिए आपकी अनुमति चाहता हूँ, क्योंकि कंसेंसस बनना इस दृष्टि से शामिल करना ये हमारा काम है, हम करेंगे, लेकिन फिर भी एक कंसेंसस बनाना, पार्टी में यूनिटी रहना, कोई आओ बोले कोई नको बोले ये नहीं होना, समझ के हमने सबसे बात करके सभी नेताओं ने यस कहा, तो फिर हमने उनको इत्तला दी, और मुझे खुशी है कि वो खुद आए हैं और पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर, इंचार्ज सेक्रेटरी, सभी ने मिलके उनका आगमन का स्वागत किया है, इसीलिए मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। आपको भी हमने यहाँ पर बुला के थोड़ी सी तकलीफ दी, फिर भी आप फिर वहाँ आएंगे, इसीलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ही कहूँगा, उनको भी मैं उनका अभिनंदन करता हूँ, और आगे पार्टी में जिस उसूलों के लिए आप आए हैं उस उसूलों पे आपको खड़ा होना होगा, लड़ना होगा इस सामंतवादी लोगों के खिलाफ, यही मेरी इच्छा है। थैंक यू।